मैं हैरान, मेरा नाम लेके कहने लगे तुझे आ गए हो। पिछे हटके वो खड़ा सोचन लग गया, फिर उन्होंने दसिया कि तुझे आ गए हो, बैठ गए हो। कहने लगे मैं उनकी बंत संगत जुड़िया बैठिया सी, मैं हैरान हो गया। मेरे अंदर वो क्योंकि उधर बख्शिश सी करता बिच सी, सत्संग जैसे करके जाना, पता नहीं कड़ी आत्मा उस अकाल पुरख ने भेजी हो। पर मैं कल दस्या सी कई बारी बिच रह कई भी खाली ने लोग, पत्थर दी ते पतासे दी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मिसाल दे के दर्शाया थी कि क्यों नहीं कृपा होंदी। जिन्ना पत्थर पाया जल में जल लिया, कहने पत्थर लिया कट्ठे किया, फिर उसे जल में पतासे पा दिते, कहने के लिए कढ के लिए। जदों उन्होंने कढ़िया पत्थर उंजी सुक्का पिया, पतासे लभे नहीं क्योंकि लीन हो गए घुल गए। जिन्हां दे गुरु चरणां च सत्संग च गुरमुखां दी संगत च सतगुरु दा उपदेश सुनदे आं, गुरु शब्द नाल जुड़ गए, समझ लो लीन हो गए, प्राप्त कर गए। कोई शंका नहीं, कोई सोच नहीं, कोई किंतु क्यों नहीं, कोई अपना पराया नहीं, प्रेम भावना च आके गुरु ग्रंथ पूरे सतगुरु ते विश्वास करके गुरु शब्द नाल लीन हो। वो बंदा इन्ना सुन के कहंदा और ज्यादा तो नहीं सी, इन्ना की क्या, कहंदे मैं खड़ा हो गया। कहंदे खड़े हो, मैं फिर शर्मिंदा जाओ, फिर मैं चल पिया। कहंदे चले हो, बस यही शब्द आखे और कुछ नहीं आख्या। मैं वापस आ गया, कहणगे तुसी दर्शन करने सी, सत्संग बैठना सी, कोई विचार सुनने सी। गुरु के सत्संग रात पै गई और राम च चले गए। घर विच चोर आ गए, दरवाजे ताले बंद, अंदर चोर आ गए। अनुभवी गल, अंदर चोर आ गए। चोर आके कहने तो उन्होंने देखा, वो ये गल सुना रहा सी अपनी घर वाली नूं उच्ची उच्ची। जो चोर आई वो कहन लगे, चोर देख रहे ने चंगा अमीर घर है, उन्होंने बड़ी बड़ी सूह सी कि इत्थे बहुत कुछ है। जदों अंदर गए दरवाजिया के कोल गए तो आवाज आई, कहे उन्हें मां गुरु के प्यारे ने कह आ गए हो। वो बड़े हैरान हुए चोर, ये तो जागते ने, जेड़ा जागृत अवस्था से उन्हें कोई लुट नहीं सकता। तदे महाराज कहने जाग रहे मन जाग, जागन हारे तू जाग। वो जदों के आ गए बड़े हैरान हो गए, उच्ची उच्ची गल्लां कर रहे सी, आवाज सारी बाहर जानी। वो फिर इस चीज कर दे, इधर उधर बैठ गए जाके। वो कहेंगे बैठ गए, वो गल कर रहे हैं। वो फिर होर भयभीत हो गए भी इन्हों तो बिल्कुल नाल नाल पता लग रहा है। उधर उन्होंने आवाजा आ रही हैं कि वो कह रहे वे इस तरह लुटना घर नूं, ते वो उधर डर रहे ने ते नाल गल कर रहे ने, पर इधर चोर भी डर रहे ने
जब उन्होंने कहा आ गए हो, फिर वो कहते लोग बैठे कहते बैठ गए हो, वो बड़े हैरान, ये तो बड़ा औखा है। जो इनी गल हुई तो वो तीसरी गल करने कहते तुसी खड़े हो, वो बहुत उस तो भी होर भयभीत हो गया चोर। आखिरी उन्होंने गल बनाई भी चलिए, वो कह के चले हो जा रहे हो, बस एक गल करते सारी गुरु की शास्त्र ने जेडे चोर थी ना वो छाला मार के बाहर भज गए, इतने तो जाग रहे ने। वो बड़ी जब उन्होंने बाहर जाके देखे तो चोर कोई नहीं चले गए, वो बंदे नूं समझ आई, कहन गए वाह वे वाह कि एक घड़ी मैं सत्संग किया, इन्ने भजन करदे आ चोर भज गए ने, मैं तो अपना जीवन खराब कर रहा सी, कर कृपा सत्संग मिलावो देवो तुम देवो अपना नाओ। बस फिर किसी जद सुनिया देखिया एक इन्नी गल विच चोर भज गए ने, एक घड़ी जान नाल मेरा साडा ये संसार रूपी जीवन जेड़ा बच गया हो सकता सानू मार ही देंदे। ओ गुरमुखा ने इन्ने भजन किते क्योंकि अनुभव सी, मालक अंदर बैठा सी, प्रगट सी, गुर शब्द गुरबाणी नाल भेद सी, शरीर नाल नहीं नाम नाल। गुरु वाले सन कल गुरु वाले बन के पर मत अपनी त्याग करके गुरमत अंदर प्रकाश सी, असली प्रकाश यही है। गुरु चाली ते चलन वाली वो रूह सी उन्होंने मुखो कमाई वाले क्योंकि भरिया गड्डा ली पा देना। इसे तरह गुरु की सत्संग ने गुरु महाराज ने कृपा की, एक मिनट एक गए मिनट दो तीन गल्लां कृपा जीव ते हो गई। वो कहन गए बीबी जी नूं कहन गए चल हुणे तो हुणे सत्संग विच जाणा है ते बेनती करनी है किहड़ी करो सेवा सतपुरख प्यारे कवन अनूप तेरे उठाओ। अनूप जरा उदे वर्गा कोई होर ना आवे, कोई परमात्मा काल पुरख वो कैसी थां जिथे तू बसता है, मैं ऐसे पुरखां दी सेवा करां, करो सेवा सतपुरख प्यारे जत सुनिए तत मन रह साओ। जदों उन्हां दे बोल सुने ते मन खड़ाव च टकाओ च आ गया, खिच पै गई केड़ी आओ उसे पड़े। सतगुरु जी कृपा करने ने